प्रणय मीडिया के पिछले कुछ वीडियोस में हम बात करते आए हैं क्रांति के महानायक सरदार भगत सिंह जी के बारे में। कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अनजान थे, उनके जीवन से जुड़े और कई महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का हमें अवसर मिला, जिनकी विचारधारा से भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। ऐसे ही एक और महान नेताओं में नाम आता है लाला हरदयाल सिंह जी का, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1884 में दिल्ली में हुआ। इनके पिता गौरी दयाल जी दिल्ली न्यायपालिका में कार्यरत थे। लाला हरदयाल जी की परवरिश में उनकी माता भोला रानी का बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बहुत जागरूक किया। इसका परिणाम ये रहा कि इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से जब संस्कृत में स्नातक की तो इन्हें सरकार की तरफ से 200 पौंड की स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिली और उसी स्कॉलरशिप से वो आगे लंदन पढ़ने गए। पर लंदन जाने से पहले ही लाला हरदयाल जी के अंदर क्रांति की ज्वाला भबक चुकी थी। कुछ दिन बाद जब वो भारत लौटे तो सबसे पहले पुणे जाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से मिले। फिर 1908 में पूरे देश में ब्रिटिश सरकार का दमन चला और लाला लाजपत राय जी के कहने पर वो पेरिस चले गए और वहां रहकर जिनेवा से निकलने वाली मैगजीन वंदे मातरम का वो संपादन करने लगे। 1911 में वो कैलिफोर्निया पहुंचे और 10 मई 1913 को उन्होंने भारतीयों की सभा की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गदर पार्टी की स्थापना की। इसके अलावा एक मैगजीन निकालने का और उसे मुफ्त में बांटने का निर्णय लिया गया, जिसका नाम गदर रखा गया। ये मैगजीन अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और इसका अनुवाद हिंदी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती में होता था। इसके संपादक गोविंद बिहारी लाल जी थे। ये मैगजीन चीन, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में जहां भारतीय रहते थे वहां भेजी जाती थी। ये मैगजीन भारतवासियों को प्रभावी भाषा में क्रांति के लिए प्रोत्साहित करती थी। कई तरह के बाधाओं के बावजूद ये मैगजीन खुली और गुप्त रूप से उन सभी देशों में पहुंच जाती जहां भारतीय रहते थे। आज की पीढ़ी लाला हरदयाल के बारे में ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि जिस समय वो देश में थे उनके प्रभाव को अंग्रेजों ने बहुत दबाने का प्रयास किया ताकि इतिहास में उनके बलिदान का वर्णन ना के बराबर रहे। पर लाला हरदयाल जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो जहां भी रहें देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहें और भारतवासियों को प्रेरित करते रहें। जब तक वो जीवित रहे राष्ट्रहित में कार्य व सेवा करने में लीन रहे। हिंदू होते हुए भी उनका अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व था। उनका पंजाब के नवजीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। वो जानते थे कि अंग्रेज हिंदुओं का चरित्र हनन कर रहे हैं और उनकी शिक्षा नीति और तरीके हिंदुत्व को क्षीण करने, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय व्यक्तित्व का नाश करने में लगे हैं। पर लाला हरदयाल की प्रतिभा इतनी प्रभावपूर्ण थी कि थोड़े समय में ही उनका यश अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इतना फैल गया था कि कई अमरीकी विद्वान उनके अनुयायी बन गए थे। वहाँ के समाचार पत्रों ने उन्हें हिंदू ऋषि की उपाधि दी। भारत को स्वतंत्र कराना गदर पार्टी का उद्देश्य था और लाला हरदयाल भारतीय सैनिकों में विरोध का प्रसार करना चाहते थे। लड़ाई शुरू होने पर इंग्लैंड के कहने पर अमेरिका ने लाला हरदयाल जी को देश से निकाल दिया। फिर उन्होंने जर्मनी में अपना ठिकाना बनाया और वहाँ भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। उनसे प्रेरित हो काबुल में अस्थाई सरकार बनी, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे, जिन्होंने काबुल में रहकर भारत में क्रांति की योजना बनाई। 1857 के बाद सेना के व्यापक विद्रोह का ये पहला प्रयास था। अरब, इराक, अफगानिस्तान से मुसलमान तथा पंजाब से सिखों का सहयोग लेकर अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई गई, जिसमें रास बिहारी बोस, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, शचिंद्रनाथ सान्याल, गणेश पिंगले, करतार सिंह सराभा जैसे महान क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। पर किसी सूत्र ने ब्रिटिश सरकार को इस योजना के बारे में बताया और इसे असफल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पूरी जान लगा दी। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, बहुतों को फांसी की सजा हुई। देखा जाए तो गदर पार्टी का ये इतिहास अपने आप में एक विशाल वर्णन है, जिसके बारे में अलग से फिर कभी बात होगी। यहाँ इसके वर्णन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि लाला हरदयाल जी के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में जान सके। क्रांति की मशाल लेकर ये भारत के पक्ष का प्रचार करने के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की आदि देशों में गए। जर्मनी में उन्हें कुछ समय के लिए नजरबंद कर लिया गया। वहां से वो स्वीडन चले गए, जहां उन्होंने
15 साल बिताए। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में काकोरी कांड का वर्णन है। इसका ऐतिहासिक फैसला आने के बाद सन 1927 में लाला हरदयाल को भारत लाने का प्रयास किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार नहीं मानी। इसके बाद 1938 में एक बार फिर लाला हरदयाल को लाने की कोशिश हुई और फिर अनुमति मिली, परंतु भारत लौटते हुए 4 मई 1939 को रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी अमेरिका में मृत्यु हो गई। और ऐसा भी माना गया है कि उनकी अकस्मात मृत्यु ब्रिटिश सरकार की कूटनीतिक चाल थी, जिसके चलते उन्होंने हरदयाल जी की हत्या को अकस्मात मृत्यु में बदल दिया। वास्तव में लाला हरदयाल जी एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक सन्यासी क्रांतिकारी थे और उम्र भर अंग्रेजों की आंखों का कांटा बने रहे। देश के इस महान क्रांतिकारी को उनके जन्मदिवस पर हमारा श्रद्धापूर्वक नमन। जय हिंद।